तो बच्चों अब आपने अपने टेक्स्ट बुक में ट्रेस करके फिनिश किया है ना। अब हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। कल हमने क्या लिखा था, ए से एक, ए से एडी लिखा था ना हमने कल। आज हम क्या लिखेंगे, आई से ऐनक। तो बच्चों अब मैं आपको ऐनक कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाती हूँ, ओके। तो पहले आप क्या लिखोगे, पेज के बीच में आपको सी डब्ल्यू लिखना है और लेफ्ट कॉर्नर में आज की डेट लिखनी है, ओके। 3/9/2021, 3rd of September 2021, ओके। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ऐनक कैसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों पहले आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बाकी के ये जो लाइन्स है ना वो कर्व लाइन्स आनी चाहिए, ओके। फिर से थोड़ा सा अंतर रख के हम फिर से और एक ड्रॉ करेंगे ये शेप, ओके। फिर उसके बाद इसके बीच में आपको भी छोटा सा ये शेप ड्रॉ करना है ऐसे, ओके बच्चों ये हो गया। फिर उस ये जो दो शेप कर्व्स है ना उनको मिलाने के लिए हमको और एक छोटे से दो कर्व लाइन निकालनी है, ओके। फिर आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर है ना वहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर निकालना है, छोटा सा ही स्क्वायर ऐसे, और फिर एक स्लैंटिंग लाइन आएगी और आपको स्लैंटिंग लाइन को ऐसे जस्ट कर्व करना है। फिर से इस कॉर्नर से और एक स्लैंटिंग लाइन आएगी और हम ऐसे करेंगे, ओके। फिर से इस बाजू में हमको रिपीटेशन सेम रिपीट करना है। देखिए बच्चों ये बन गया हमारा ऐनक, ओके। फिर ऐनक बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसे हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, ओके। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बड़े सा बड़े से अक्षर में आई लिखना है। ये देखिए ऐसे आपको आई लिखना है, ओके, बड़ा लिखना है आई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सो बच्चों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपकी मम्मा करेगी, ओके। मम्मा को बोलो 4 columns ड्रॉ करके देने के लिए, ओके। 4 columns हम ड्रॉ करेंगे और उसमें आई लिखेंगे विथ पैटर्न, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, दो बी लाइन के बीच में, ये देखिए दो लाइन के बीच में आपको एक स्टैंडिंग लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे स्लैंटिंग लाइन, फिर उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन फिर से दो लाइन्स के बीच में, और फिर ये स्लीपिंग लाइन लिख के ये जो स्टैंडिंग लाइन है ना इसी के ऊपर से आप ऐसे मात्रा लिखोगे, ओके। ये आपकी मम्मी आपको पहले लाइन के ऊपर लिख के देगी, फिर नीचे वाले जो लाइन्स है ना उसके ऊपर आपको खुद को लिखना है, ओके। आपको खुद से लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, आप पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन निकालोगे टू लाइन्स के बीच में, फिर उसके बाद एक स्लैंटिंग लाइन निकालोगे दो दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में, ओके। तो फिर ये स्लैंटिंग लाइन होने के बाद आपको ये जो पहली वाली दूसरी लाइन है ना उसके बीच में एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन निकाल के ये जो स्टैंडिंग लाइन है ना
वही इससे एक ऐसी मात्रा निकालनी है। ओके, तो पूरे पेज के ऊपर आपको ऐसे ही लिखना है। जब ये आपका लिखे ख़त्म हो जाएगा तब आपको क्या करना है, पेज टर्न करके फिर से 4 कॉलम्स ड्रॉ करके आपको आई जो स्वर है ना वो एज अ होमवर्क लिखना है। ओके, एज अ होमवर्क लिखना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एच डब्ल्यू और आज की तारीख 3/9/2021 है ना। फिर आप क्या लिखोगे, पहले लाइन के ऊपर अब आपको डायरेक्ट आई लिखना है। अब हम पैटर्न्स नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लास वर्क में हमारा हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आई लिखेंगे। देखिए आई, आई से ऐनक। ओके, आई से ऐनक, ठीक है बच्चों, ऐसे आपको लिखना है, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक। देखिए बच्चों, आपको ऐसे अच्छे से आई से ऐनक लिखना है। ओके बच्चों, तो फिर अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और हम अभी कल मिलेंगे। बाय, ध्यान रखिए खुद का।